बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं दिलचस्प और मालूमती वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं वादिये कलाम में। वादिये कलाम आप किसी और तरह से जानते होंगे, यहाँ की खूबसूरती अपनी जगह पे है, यहाँ की बर्फ अपनी जगह पे है। आज मैं आपको यहाँ का खसूसी फेस्टिवल दिखाने जा रहा हूँ जो सिर्फ साल में 3 दिन होता है। साल बाद ये फेस्टिवल होता है, दूर दराज के लोग सयाह इस फेस्टिवल को देखने के लिए आते हैं। यहाँ के जो मकामी खेल हैं, जो रवायती यहाँ की स्केटिंग है, जो बर्फ के ऊपर ये कबड्डी खेलते हैं, वो सारी चीजें आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ रहिएगा इस बर्फबारी में, इस बर्फ की सफेद चादर के ऊपर सारी चीजें भी आपको देखने को मिलेंगी। आप मेरे साथ रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। ये सारी चीजें बर्फ की बनी हुई है, टेबल बर्फ का है, ये चेयर्स बर्फ की बनी हुई है। आप देख सकते हैं लोग यहाँ आते हैं, फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और यहाँ मेन चीज बर्फ है। ये एक भाई साहब, अभी देखें, ये कारीगर है जो यहाँ की चीजें तैयार करते हैं। अभी हम इनसे बात करवाते हैं आपकी कि ये चीजें तैयार कर रहे हैं, इनका तजर्बा कितना है यहाँ पे। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? तारिक अजीज। तारिक अजीज तो एक लाहौर का था जिन्होंने पीटीवी में बहुत नाम कमाया नीलामगर के नाम से। माशाल्लाह आप भी नाम कमा रहे हैं बज़्म में। तारिक अजीज, तारिक अजीज शो, आप भी तारिक अजीज हैं। उससे मुतासर का नाम रखा आपने, वेरी गुड। ये काम आप कितने अरसे से कर रहे हैं यहाँ पे? आप यहाँ के मकामी है? जब भी बर्फ पड़ता है तो बचपन में तो ज्यादा खेलते थे, अब मसरूफियत की वजह से कभी कभी ऐसा मौका मिलता है। ये खुद बनाए हुए हैं, परसों के बनाए हुए थे, 4 दोस्त थे। अभी थोड़े से वो पिघल गए ना, ऊपर से पानी आ रहा है, तो चलो थोड़ी सी मेंटेनेंस और होनी चाहिए। आप लोग ये सिर्फ फेस्टिवल के लिए कर रहे हैं सारा कुछ? हाँ, फेस्टिवल के लिए, अभी तो फेस्टिवल के लिए किया है, इसके अलावा घरों में बहुत मेहनत लगती है। ये आपने कहीं से सीखा काम? नहीं, खुद को खुद यहाँ पे खुद कर लेते हैं, मैनेज हो जाती है आपकी, चूँकि यहाँ से पैदाइश है, परवरिश है, सारा कुछ खुद कर लेते हैं। कर लेते थे, अभी गवर्नमेंट ने ये दिए है कल, तो इससे भी काम चलता है हाथ से ज्यादा। आपने देखा एक कारीगर जो बर्फ की चीजें बना रहा है यहाँ पे, जो फेस्टिवल के लोग हैं उनके लिए सारी चीजें वो खुद तैयार कर रहा है। ये देखे ना, ये चेयर्स बनी है, ये बंदा चेयर्स के ऊपर कितना खूबसूरत से बैठा और शाह रुख खान लग रहा है इस वक्त बर्फ के ऊपर बैठा हुआ। ये एक और भाई है, ये भी एक स्नो की पहाड़ तैयार कर रहे हैं, जो आप समझ लें कि केक तैयार किया उन्होंने, और ये बर्फ का केक है, आप देख सकते हैं इसको भी। मेरा नाम साद है, हम पेशावर से आए हैं और हम हर साल इधर फेस्टिवल के लिए आते हैं। हमारी कलाम के स्वाद के टीम के साथ टूर्नामेंट है और इंशाल्लाह हम जीत के जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयान है, हम यहाँ कलाम और स्वाद के टीम के साथ खेलने आए और हम जीत के जाएंगे। छोटे को नरासी
Hello, Sanchi, hello. Kurande. हम पिशावर से हैं, हमारे यहाँ पर जो है ना मुकाबले हैं, सही है, और हम कलाम में भी हैं, इस वक्त कलाम में मौजूद हैं हम, और ये हमारी पूरी टीम आई है, और इसके बाद इंशाल्लाह बहुत गेम हमने जीत ली है, और ये सारे हमारे टीम के हैं, केपीके टीम है हमारी, और हम अभी जो है ना यहाँ पर मौजूद हैं। आपको सर्दी नहीं लग रही है, बर्फ के ऊपर खेल रहे हैं आप लोग? सर बस ये तो बस क्या कहें हम, ये साल के बाद यहाँ फेस्टिवल होता है ये। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर सुवात में, कालाम में, जो है ना क्वेटा में, मर्दान में, यहाँ पूरे पाकिस्तान में हम जो है जाते हैं। हम इस फेस्टिवल को देखने के लिए हम मलाइकंड दरगाह से आए हैं, इधर बहुत एंजॉय किया, अभी स्नो भी पड़ा है, बहुत मजा आया है। स्नो एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं, आपको इनका विजिट करवाते हैं। यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, बिरयानी, जलेबी है, पकौड़े हैं। ये केक्स की मुख्तलिफ वैरायटी है। ये जूस, ये सूप किस चीज़ का है जनाब? चिकन का था। चिकन का है, चिकन कॉर्न सूप। हाँ जी, माशाल्लाह। मैं करना चाहूंगा,